हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सक्सेसफुल लर्निंग आप सभी का सक्सेसफुल लर्निंग में स्वागत है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी का टॉपिक दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन राइट सो इस

उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनका सेल यू कैरेटिक सेल होता है दैट इज सेल मतलब उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है राइट एंड उस जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है मतलब बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर सेलुलर लेवल तक का ही होता है सेलुलर लेवल तक का ही होता है मतलब यूनि हो सकते हैं या फिर मल्टी हो सकते हैं लेकिन टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन इस पर्टिकुलर किंगडम में हमें देखने को नहीं मिलेगा राइट सो मूविंग ऑन

जो फिजियोलॉजिकल फीचर्स फीचर्स पे पे ही उनके एनिमल्स बेसिस, बेसिस में डिवाइड किया था और कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट या फिर एनिमल एनिमिल दो किंगडम में ही क्लासिफाई किया था जो भी खुद का खुद खाना बना सकते हैं वो चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट हो या फिर जो ग्रीन कलर के हैं जिनके अंदर फोटो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट करते हैं उन्हें प्लांट कैटेगरी में डाला था लेकिन ऐसा नहीं होता है एक कैरेक्टरिस्टिक को या फिर एक क्राइटेरिया के बेसिस पे हम किसी को भी एक किंग नहीं डाल सकते क्योंकि एक किंगडम हालांकि एक किंगडम इन प्लांट का और इन सब ऑर्गेनिज्म का कुछ ऑर्गेनिजम का, का सेम हो सकता है लेकिन बाकी सब जो फीचर्स होते हैं वो सेम नहीं होते है सो so, इसी वजह से यहाँ पे कहा गया है एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट जो होता है एक सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म होता है प्रोटिस्टा प्रोटिस्टेंट सो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम प्लांट नहीं बोल सकते ओनली इस बेसिस पे कि वो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कैरी आउट करता है ऐसा नहीं बोल सकते राइट इन अ बुक वी इंक्लूड क्रिसोफाइट्स डायनोफ्लैजिलेट यूग्लिनोइड एंड स्लाइम मोल्ड एंड द प्रोटोजोन्स अंडर किंगडम प्रोटिस्टा सो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर कौन कौन से हैं आपको पता होने चाहिए क्राइसोफाइड डायनोफ्लाइजिलेट यूग्लिन स्लाइमोल्ड्स एंड प्रोटोजोस अंडर प्रोटिस्टार एंड में प्रोटिस्टार प्राइमरीली एक्टिक मतलब ये सभी पानी में रहने वाले हैंक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है या फिर फ्रेश वाटर में रहेंगे या फिर मरीन फ्रेश वाटर में या फिर मरीन वाटर में रहेंगे लेकिन दीज आर एक्वेटिक एंड दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विदर डीलिंग विद द प्लाट्स एनिमल्स अंडर फंग यू कैरी ओवर द प्रोटिस्टेंस सेल बॉडी कंटेंट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर राइट एंड बॉडी ऑर्गेजेशन होता है यू कैरेटिक सेल होते हैं जैसे कि यू कैरेटिक सेल का डेफिनेशन बताते बताया था यू कैरेटिक सेल्स वो होते हैं जिनके अंदर ट्रू ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जो न्यूक्लियस होता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है कुछ ऑर्गेनिज्म में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है या फिर कुछ में सिंगल होती है दैट्स अ डिफरेंट थिंग बट एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जो कि हमारे जो सेल्स वो जो सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और उसके अंदर कई सारे ऐसे बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो कि है, को एक कि प्रोति, जो है, जो है अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कैरी आउट करते हैं तो उनके सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑर्गन होना जरूरी है अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते राइट सो इसी तरह कुछ ऐसे जैसे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोटिब्यूल राइबोजोम कई सारे ऐसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऐसे कई सारे ऑर्गेन होते हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं सो यू सेल जो भी होता है उनके अंदर इन ये सभी सेल ऑर्गेन पाए जाते हैं उसके साथ न्यूक्लियर मेम्रेन पाया जाता है और फिर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है राइट और प्रोटिस्टा कैटेगरी में जो भी किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो या तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर असेक्सुअली दैट इज सेल फ्यूजन के द्वारा तो या फिर जाइगो फॉर्मेशन के द्वारा इन दोनों मीन्स के द्वारा रिप्रोडक्शन कर सकते हैं सो so, पहला क्या है क्रिसोफाइट क्रायोफाइट राइट क्राइसोफाइट

फ्लोट करते हैं वाटर के जो एक मरीन एकोसिस्टम होता है एक्वेटिक एकोसिस्टम जनरली उसके ऊपर जो वाटर के ऊपर जो उस करंट के साथ मतलब जो वेव्स होते हैं उसके साथ जो फ्लोट फ्लोट करते हैं

फिट सोप कहालवाल जो होता है एंड इज इनडिस्ट्रक्टेबल मतलब जो कि सिलिका से बना हुआ होता है और दो थी पतली लेयर्स से, से बनकर बना हुआ होता है और सिलिका से कम, होता है तो वो हम उसे डिस्ट्रक्ट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते एंड दस डाइटम लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ अ वॉल डिपॉजिट्स इन मतलब उनका सेलव्ल उनका सेल्वोल का कॉम्पोजिशन क्या है सिलिका है सो so, जब ये डायटम्स जिस भी जगह पे जिस भी एनवायरनमेंट में जिस भी सिस्टम में रहते हैं वहाँ पे इनका जो सेलवोल का डिपॉजिट रहती है सिलिका वही कई बहुत सारी मात्रा में वहाँ वहीं वहाँ पे जहाँ पे वो रहते हैं उसी हैबिटेट में वो छोड़ते हैं एंड दिस एक्यूमलेन ओवर अ बिलियन ऑफ इयर इज रेफर टू एज अज नोन एज अ डाइटो मैशियस अर्थ सो so, ये जो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन कई लाखों बिलियन साल बिलियन ईयर्स के बाद जो ये जो पूरा अकूमलेन होता है उसे हम कहते हैं अर्थ राइट दिस इज इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑयल एंड सिरप एंड आइटम्स आर चीफ चीफ प्रोड्यूसर ऑफ अशंस चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ऑफन्स सो ग्रिटी होने के कारण इसे यूज इन सभी सॉइल्स को ग्रिटी ग्रिटी होने के कारण इन सभी सॉइल्स को यूज इन सभी चीजों को जो अक्यूमुलेट होता है डाइटम्स का उसे हम यूज करते हैं पॉलिशिंग में फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में ऑयल को फिल्टर करने के लिए या फिर किसी भी सिरप को फिल्टर करने के लिए सो तो डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओश नेक्स्ट डायनोफ्लैजिलेट दिस ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक सो तो जैसे कि मैंने कहा जो प्रोटिस्टा के अंदर किंगडम के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं मेजरली मोस्टली वो ऑर्गेनिज्म फोटो होते हैं और वे ऑर््वेटिक होते हैं ऑक्वेटिक में भी ये मरीन ऑर्गेनिज्म है

का है, राइट इसे देखिए डायनो फ्लैजुलट येलो कलर का दिखाई देता है और यहाँ पे जो कहा गया है इसके अंदर कई ऐसे कुछ सारे पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से इनको कलर मिलता है उनका इनका जो कलर होता है वो जो इनके सेल्स के अंदर जो पिगमेंट होता है उसी के बेसिस पे कलर मिलता है एंड इनका सेल्वर किससे बना हुआ होता है द सेलवॉल इज मेड अप ऑफ अ स्टिफ मतलब इनका जो सेलवर होता है बहुत ही हार्ड होता है स्टिफ होता है मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होता है स्टिफ होता है हार्ड होता है और सेलिलोज से बना हुआ होता है मतलब सेलिलोस मतलब से प्लेट से

ट्रांसवर्सली इन अर बिटवीन द वॉल प्लेट ये जो ये जो वॉर ये वॉल वॉल प्लेट दिखाई दे रही है इसके दो फ्ले, प्रेजेंट हैं एक तो जैसे कि मैंने दिखाया आपको लौंग, लौंगिटूर्ण, लौंगिटूर्ण, ल, 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 ये जो दिखाई दे रहा है ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है और जो होता है इन दो प्लेट्स के बीच में ट्रांसफर्स मतलब राउंड यहाँ पे ये जो पाया जाता है राउंड इसे हम कहते हैं दैट इज दो पाए जाते हैं फरो फरो ये जो इन दोनों के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है ना दो प्लेट्स के बीच में सो दिस इज अ प्लेट नंबर वन एंड दिस इज अ बिलो प्लेट तो इन दो प्लेट्स के बीच में जो गैप दिखाई देता है यहाँ पे ये सेकंड वाला फ्लैजुला दैट इज ट्रांसफर्स फ्लैजुला पाया जाता है वेरी ऑफन रेड डायनो फ्लैजुलेट एग्जाम्पल गोनियोलॉक्स अंडर गो सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन दे मेक सी अपियर रेड रेड टाइट्स टॉक्सिन्स आर रिलीज बाई सच लार्ज नंबर मे इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस सो जो रेड डाइनोफ्लैजुलेट्स होते हैं रेड डायनोफ्लैजुलट्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है बहुत तेजी से होता है जिसकी वजह से वो जो पूरा सी होता है या फिर जो एकोसिस्टम होता है उसे पूरा वो रेड कलर का कर देते हैं राइट इतनी तेजी से वो मल्टीप्लाई होते हैं और ऐसे कई सारे टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं अपने बॉडी से या फिर उनके जो सेल्स से ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बॉडी से कई सारे टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो कि मरीन जो उस इकोसिस्टम में मरीन इकोसिस्टम में वो जिस भी इकोसिस्टम में रहते हैं मेजरली मरीन इकोसिस्टम में रहते हैं सो मरीन इकोसिस्टम का जो पूरे जो भी वहाँ पे जो उस इकोसिस्टम में जो भी एकवेटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन सभी को किल करने वो टॉक्सिनस उतने हार्मफुल होते हैं कि उन सभी मरीन इकोसिस्टम को किल करते करते हैं और जो फिशर्स वगैरह पाए जाते हैं हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में उन सभी को किल करते हैं सो ये याद रखना है ये है है? है? उसका क्या क्या और ये बहुत मल्टीप्लाई करता है जिसकी वजह से पूरा जो सी या फिर इकोसिस्टम होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है और कई सारे टॉक्सिंस रिलीज करते हैं जिसकी वजह से जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हार्मफुल इफेक्ट उनके ऊपर डालते हैं जैसे कि उनकी डेथ तक हो जाती है एज जैसा फिशेस की भी मौत हो जाती है इन सभी के साथ राइट नाउ इग्लूनाइड मेजोरिटी ऑफ फ्रेश वाटर ऑर्गेजम ये क्या है eglunate, fresh water में पाए जाने वाले फाउंड इंडगनेंट वाटर स्टेगनेंट वाटर मतलब जो ठहरा हुआ पानी है दैट इज जैसे कि नदी का पानी होता है वो फ्लो करता है पानी लेकिन जो पर्टिकुलर पौंड का या फिर पौंड का जो पानी होता है वो स्टेगनेंट होता है मतलब रुका हुआ होता है फ्लो नहीं करता है उन पानी में उस पानी में पाया जाता है फ्रेश वाटर और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड एज एन पेलीसिल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल एंड दे हैव टू फ्लाइजिला ये जो दिखाई दे रहे हैं ना थिक थिन जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन्हें फ्लाइजिला कहते हैं ये एक ये है और यहाँ पे एक है राइट right? इन्हें फ्लाइजिला कहते हैं यूग्लेनॉड के अंदर भी दो फ्लाइजिला पाए जाते हैं और इनके अंदर जो सेल वॉल होता है सेल वॉल नहीं होता है उसके बदले एक थिक रेड कलर थिक प्रोटीन का लेयर होता है थिक प्रोटीन का लेयर होता, होता है जिसे हम कहते हैं और जिसकी वजह से इनकी जो बॉडी होती है फ्लेक्सिबल होती है जिन जिस ये फ्लेक्सिबल बॉडी की हो, होने की वजह से इन दैट इज लोकोमोशन में मदद होता है दैट इज मोवमेंट लोकोमोशन मतलब मोवमेंट में हेल्प होता है इन दैट इज़ फ्लेक्सिबल बॉडी होने की वजह से और ये फ्लैजिला का काम होता है लोकोमोशन के लिए यूज हो, होता है एंड शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन एक थोड़ा सा पत शॉर्ट होता है दैट इज ये जो सक, ये नीचे वाला जो फ्लैजिला देख रहे हो थोड़ा शॉर्ट होता है और वो जो ऊपर वाला होता है दैट इज लॉन्ग होता है एंड दो

उनके बॉडी में जो एनर्जी उन्हें लगती है वो खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन सनलाइट अगर उन्हें उन तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती या फिर किस वजह से सनलाइट नहीं मिलती है तो वो हेटेरोप के तरह भी एक्ट करते हैं मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए अपना पूरा एनर्जी एनर्जी के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं जैसे कि वो पैरासाइट की तरह रहते हैं पैरासाइट मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है उनके बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल सरफेस पे या तो इनर सरफेस में मतलब अंदर भी रह सकता है बॉडी के अंदर भी या फिर बाहर जो जो जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये रहता है या फिर जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पैरासाइट्स रहते हैं या फिर जो इंडिविजुअल्स रहते हैं उन्हें होस्ट कहते हैं और ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये उन ऑर्गेनिजम्स को बहुत हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाते हैं सो so, योगना अगर सनलाइट ना मिले तो टीरोट्रॉपिक की तरह एक्ट करता है या फिर और वो mm, पैरासाइट की तरह दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड हो जाता है नाउ मोल्ड सो स्लाइम मोल्ड आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा प्रोटिस्ट एंड दे बॉडी मूव दे बॉडी मूव अलोंग डीकेंग ट्विक्स एंड दू एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल So, ये, ये जो फिगर है ये स्लाइम स्लाइमोल्ड का है एंड स्लाइमोल्ड क्या स्लाइमोल्ड सेर बॉडी मूव अलॉन्ग द डी ट्विक्स एंड लिविंग एंड गल्फिंग ऑर्गेनिक मटीरियल कंडीशन दे फॉर्म एंड एग्रगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फिट अगर इन्हें जो एडिक्वेट जो सुटेबल एनवायरमेंट जैसे कि एडिक्वेट एडिकुएट टेम्परेचरुएट रेनफॉलॉल ह्यूमिडिटी जो उन्हें मिला अगर तो वो ये जो क्या करते हैं स्टाइमोल्स वो एक जगह एग्रवेट होते हैं मतलब एक्ूमलेट होते हैं इकट्ठा होते हैं और प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं जो कि बहुत तेजी से ग्रो करता है कई फीट तक ग्रो करता है एंड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप अगर अनफेवरेबल अगर अनफेवरेबल कंडीशन हुआ तो ये जो प्लाज्मोडियम्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं मतलब सेपरेट हो जाते हैं बिखर जाते हैं दे फॉर्म ऑफ फ्रूटिंग बॉडी स्पोर्स स्पोर्स और फ्रूटिंग बॉडीज की तरह बन जाते हैं और फिर उनके टिप के ऊपर स्पोर्स प्रे, प्रेजेंट होते हैं एंड द स्पोर प्रोसेसर ट्रू वॉल्स उन स्पोर्स के ऊपर जो वो जो स्पोर्स होते हैं वो ट्रू उनके ऊपर ट्रू वॉल्स होते हैं एंड दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन सो जो स्पोर्स के ऊपर जो वॉल होता है ट्रू वॉल होता है दैट इज रियल वॉल होता है जो कि इन, 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 इनको एक्सट्रीम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है मतलब किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं जो कि इनके बॉडी uh, के लिए सूटेबल ना हो उन, उन उस भी एनवायरनमेंट में रह सकते हैं एंड द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट और एयर करंट मतलब एयर के थ्रू ये सारे स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं दैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस नाउ प्रोटोजोन्स ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉपिक एंड दे लिव दे लिव एज अ प्रीडेटर और अ पैरासाइट मतलब ऑल प्रोटोज़ोन्स आर हेटरोट्रॉपिक मतलब ये फोटो ऑटोट्रॉपिक uh, नहीं होते खुद का खाना खुद नहीं बना सकते सो दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म सो दे लिव एज अ प्रीडेटर और एज अ पैरासाइट व्हाट इज मीन बाय प्रीडेटर एंड व्हाट इज मीन बाय पैरासाइट यू शुड नो दैट सो प्रीडेटर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं या फिर एंगल्फ करते हैं सो so, उन्हें प्रीडेटर्स कहते हैं एंड पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं किसी बड़े ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर उनके बॉडी के अंदर रहते हैं और उन्हें हार्मफुल इफेक्ट उनके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डाल डालते हैं और उन उनके बॉडी में उनके बॉडी से जो भी उन्हें सब्सटेंस मिलता है उसके ऊपर वो डिपेंड रहते हैं एंड दे बिलीव टू बी प्रिमेटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स सो प्रोटोजोन्स को रिलेटिव ऑफ एनिमल्स के तौर पर भी जाना जाता है क्योंकि मतलब जो प्राइमरी रिलेटिव होते हैं एनिमल्स के एंड देर आर फोर मेजर टाइप्स ऑफ चार मेजर टाइप के होते हैं सो का कुछ याद नहीं रखना है आपको प्रोटोजन बस इतना ही है प्रोटोजोन्स हाइटेट्रॉपिक होते हैं वो कैसे जीते हैं हाइटेट्रॉपिक होते हैं तो किसी ना किसी के ऊपर तो डिपेंड होते हैं वो कैसे जीते हैं दैट इज दे लिव एज अ प्रीडेटर और एज अ पैरासाइट प्रीडेटर मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाते हैं या फिर उन्हें एंगल्फ करते हैं सो so, इस तरह से वो रहते हैं या फिर पैरासाइट जो बड़े ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उनके बॉडी के अंदर रहते हैं और उस ऑर्गेनिज्म को हार्मफुल इफेक्ट उनके ऊपर डालती है एंड इन्हें इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है इन्हें कहा जाता है प्रीमेटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स एनिमल्स के रिश्तेदार के नाम से जाना जा मतलब ऐसे बिलीव होते ऐसे कई साइटिस्ट ऐसे होते हैं जो बिलीव ऐसे बिलीव करते हैं कि ये जो प्रोटोजो है ये एनिमल्स के रिलेटिव होते हैं प्रीमेटिव मतलब प्राइमरी And amobid. So there are four major types of protozoans. So protozoan, four types. They protozoan. These organisms live in a freshwater, sea, a water, and a moist area. So they move and capture the prey by putting out pseudopodia, false feed as in amoeba. So amoebal protozoan, amoebal protozoan. भी रह सकते सी वॉटर में भी रह सकते, में, भी भी रह सकते और मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी रह सकते हैं मतलब जो अगर मिट्टी थोड़ी मिट्टी के अंदर थोड़ी नमी है तो वहाँ पे भी ये रह लेंगे मूव करते हैं और फिर कैप्चर करते हैं प्रे प्रे मतलब जो छोटा ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे ये ऑर्गेनिज्म बड़े ऑर्गेनिज्म खाते है या फिर उसके ऊपर अटैक करते हैं उस और छोटे ऑर्गेनिज्म को हम प्रे कहते हैं सो so, ये ये प्रीडेटर की तरह रहते हैं मतलब प्रीडेटर जो ऑर्गेनिज्म छोटे ऑर्गेनिज्म को खाता है उसे प्रीडेटर कहते हैं और जिस ऑर्गेनिज्म को प्रीडेटर खाते हैं उसे प्रे कहते हैं राइट बाय पुटिंग आउट अ आउटो सुडो पोडिया सूडो पोडिया। सुडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब लेग्स या फिर फीट सो सूडो फोडिया बाहर निकाल के मतलब फॉल्स फीट बाहर निकाल के जैसे कि अमीबा करता है उस तरह से बाहर फॉल्स फॉल्स फूड को बाहर निकाल के वो उस प्रे के ऊपर अटैक करते हैं या फिर उसे खा जाते हैं एंगल्फ करते हैं एंड मरीन फॉर्म हैव अ सिलीका शेल्स ऑन दर सर्फेस सम ऑफ देम सच एंटामोबा एंडसाइट सो जो मरीन में मरीन में अमेबा, अमेबा, रहते हैं उनके ऊपर जो उनके शेल के ऊपर सिलिका पाया जाता है जिसकी वजह से वो एंटामोबा जो कि एंटेमेबा होता है वो पैरासाइट के तौर पे एक्ट करता है मतलब पैरासाइट की तरह रहता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है उनके बॉडी के अंदर या फिर उनके बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है लेकिन जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं जो जैसे कि एमबा वो आप वो पैरासाइट प्रीडेटर की तरह रहते हैं मतलब किसी प्रे के ऊपर अटैक करके उन्हें इनगल्फ करके अपना गुजारा कर लेते हैं ना फ्लैजिलेट प्रोटोजोन सो दिस में सो दर्स ऑफ दिस ग्रुप आई दर लिव फ्री आर फ्री लिविंग और अ पैरासाइटिक फ्री लिविंग फ्री लिविंग मतलब वो एनवायरमेंट में फ्रीली पाए जाते हैं किसी के साथ क्लोज रिलेशनशिप में नहीं रहते हैं एसोसिएशन में नहीं रहते लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग रहते हैं फ्रीली रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं पैरासाइट पैरासाइटिक जैसे कि वो पैरासाइटिक मतलब जो ऑर्गेनिज्म किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्लोज रिलेशनशिप में क्लोज स्पीसीज में रहते हैं उनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं उनके साथ रहते हैं उनके बॉडी के ऊपर या फिर बॉडी के अंदर रहते हैं उन्हें पैरासाइटिक कहते हैं सो फ्लैजुलट प्रोटोजोन क्या होते हैं या तो वो फ्री लिविंग रहते हैं या फिर पैरासाइटिक होते हैं उनके ऊपर फ्लैजिला होते हैं नाम से ही पता चल रहा है उन इन ऑर्गेनिजम्स के पास फ्लैजिला होता है द पैरासाइटिक फॉर्म अ डिसीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस एग्जाम्पल ट्राइपेनोजोमा सो so, ये जो पैरासिटिक जैसे कि मैंने कहा पैरासिटिक जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं होस्ट के ऊपर रहते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट डालते ही डालते हैं सो जैसे कि कुछ डिसीज कोस करते कुछ उनके बॉडी के अंदर कुछ नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं या फिर डिसीज कोज करते हैं उनके लिए हार्मफुल होते हैं सो so जैसे कि ये जो एक एग्जाम्पल ट्राइप ट्राइपेनोसोमा ये जो होता है ट्राइपेनोसोमा ये जो प्रोटोजोन है प्रोटोजोन ये एक स्लीपिंग सिकनेस नाम का डिसीज कोस करता है जिसके अंदर या फिर जिस ऑर्गेनिज जिस बॉडी के ऊपर वो रहता है या फिर जिस बॉडी के अंदर वो रहता है वो उनके उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर स्लीपिंग सिकनेस नाम की एक डिसीज कोस करता है जो कि प्रोटोजोन डिसीज है मतलब ट्राइपेनोसोमा एक फ्लैजुलेटेड प्रोटोजोआ है मतलब ये प्रोटोजोन डिसीज हो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट ट्राइपेनासोमा ये प्रोटोजोन है या फिर क्या है ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में या फिर ये कौन सी डिसीज कोस करता है या फिर स्लीपिंग सिकनेस नाम की डिजीज कौन से ऑर्गेनिज्म के द्वारा कॉज किया जाता है जैसे कि एग्जाम्पल बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोन्स फंगाई सो ऐसे ऑप्शन आते हैं उसमें दैट इज प्रोटोजोन और कौन सा ट्राइपेनोजोमा नो सिलियेटेड प्रोटोजोन्स सिलटेड प्रोटोजोन्स दे आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम बिकॉज ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ अ थाउजेंड्स ऑफ अ सीलिया सो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनके जो बॉडी के पूरे चारों तरफ सपोज दिस इज अ ऑर्गेनिज्म ये ऑर्गेनिजम है इनके बॉडी के चारों तरफ ऐसे जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते तीन हेयर लाइक्स प्रेजेंट होते मतलब पूरे बॉडी को सराउंडेड रहते ये इस इस सीलिया इस की वजह से ही सीलिया हेल्प करता है उन्हें मूवमेंट के लिए सो so, इस सीलिया की वजह से ये क्या करते हैं उन्हें मदद होती है मूवमेंट के लिए सो so, ये बहुत एक्टिव होते हैं मतलब बहुत फास्ट बहुत फास्ट तरीके से मूव करते हैं मतलब बहुत तेजी से चलते हैं राइट एंड ड्यू टू अ प्रेजेंस ऑफ एक नहीं पूरे बॉडी को कवर करते हैं यहाँ पे पूरी बॉडी पे होते हैं ये थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होती है एंड दे हैव अ कैविटी गलेट गुलेट इनके मूव करते हैं मतलब कोऑर्डिनेशन में मूव करते हैं इनके जो सीलियाज होते हैं कोऑर्डिनेशन में मूव करते हैं मतलब ए ऐसे रैंडमली मूव नहीं करते दे दे मूव इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर सो इन कोऑर्डिनेटेड मैनर में मूव करने की वजह से इनके जो कैविटी होती है वहाँ वहाँ वाटर और जो फूड होता है वो स्ट्योर हो जाता है एंड एग्जाम्पल इसका क्या है सीलिया जिस कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ पैरामीशियम एंड नाउ स्पोरोजोवन सो दिस इंक्लूड अ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शस स्पोर लाइक स्टेज इन दर लाइफ साइकिल सो ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके उनकी जो सेल साइकिल होता है या फिर लाइफ साइकिल होता है उसके अंदर एक ऐसा स्टेज होता है जहां पे वो स्पोर फॉर्म करते हैं और ये जो स्पोर होता है वो बहुत ही हानिकारक या फिर डिसीज कोस करता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर मोस्ट ऑफ नटोरियस इज अ प्लाज्मोडियम दैट इज मलेरियल पैरासाइट विच कोस अ मलेरिया डिसीज विच हैज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन मलेरिया ये बहुत ही मतलब मॉस्किटो के द्वारा कॉज किया जाने वाला डिसीज है लेकिन ये मॉस्किटो के द्वारा कॉज नहीं किया जाता है मॉस्किटो एक वैक्टर है जो कि इस पर्टिकुलर डिसीज के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स प्लाज्मोडियम के द्वारा ये डिजीज को डिसीज कॉज होता है जो इस प्लाज्मोडियम को ह्यूमन uh, के अंदर लाने का जो प्रोसेस होता है या फिर जो वेहीकल होता है उसे हम कहते हैं वो क्या होता है मॉस्किटो होता है लेकिन ओरिजिनली मॉस्किटो से नहीं बना होता है, so, ये जो, malaria, is, जो ये है इसके लाइफ साइकिल के अंदर एक स्टेज एक स्टेज होता है पे वो स्पोर प्रोड्यूस राइट right? वो स्पोर क्या होता है वो स्पोर बहुत ही इन्फेक्शस होता है वो हमारे बॉडी में ह्यूमन के बॉडी में मलेरिया डिजीज कोज करने का मेजर कारण वो, वो स्पोर ही होता है वो स्पोर अगर वो स्पोर हमारे बॉडी में एंटर किया तो हमारी बॉडी में मलेरिया डिजीज कोज होता है सो दैट इट अबाउट अ किंगडम प्रोटिस्टा नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंगा के बारे में थैंक यू सो मच लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल थैंक यू